आप सबका स्वागत है आपके चैनल हारिस ब्लॉग पर। आज मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ, यहाँ पर मैं फीडबैक लेने जा रहा हूँ सबसे अवार्ड फंक्शन में। हमारे साथ भैया है, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना नाम बताइए हमारे ऑडियंस को। ये आपको अपना नाम ही बताओ। हाँ, राहिम अमीन जी। राहिम अमीन, राहिम अमीन हमारे साथ हैं। आपको किस चीज़ का अवार्ड यहाँ मिला है? हाफ्ते का अवार्ड मिला है, हिफ्स का। इनको यहाँ हिफ्स का हाफ्ते का अवार्ड मिला है। कितनी ईयर में आपने कम्प्लीट करा है? अच्छा, माशाल्लाह। इनको हाफ्ते का अवार्ड मिला है। अभी मैं और भी लोगों का आपको फीडबैक दिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़कर। अब हमारे साथ यहाँ दूसरे भैया हैं जिनको अवार्ड मिला है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको यहाँ किस चीज़ का अवार्ड मिला है हमारी ऑडियंस को बताइए। हाफिज का अवार्ड मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ हाफिज का अवार्ड मिला है। आप किसी साल आपका हाथ आपने कम्प्लीट करा है? 2023 में भैया बता रहे हैं हाफ्ता कम्प्लीट करा है भैया ने। यहाँ पर इनके फादर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मोहम्मद साबिर भैया हमारे साथ हैं जो कि इनके फादर हैं। काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि इनको अवार्ड मिला है हाफ्ते का। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, काफी स्टूडेंट का जिनको अवार्ड मिला है। इनका भी मैंने आपको दिखाया है कि इनको भी अवार्ड मिला है। अभी मैं और भी लोगों को दिखाऊंगा जिनको अवार्ड मिला है, तो हमारे साथ बने रहिए। अब हमारे साथ दूसरे मेंबर है जिनको अवार्ड मिला है यहाँ शमशी में। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारी ऑडियंस को बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस था। जी माशाल्लाह, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्साइटेड हुए हम करने के लिए, तो मैंने करा, तो माशाल्लाह मैंने यहाँ पे क्विज भी जीता और मेरा रिजल्ट भी अच्छा था। और मैंने इस सोसाइटी के लिए गिफ्ट प्रेजेंट भी बनाया था जो सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आया। तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये सोसाइटी सबको बहुत, हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देती है कि उसके छुपे हुए टैलेंट को बहुत अच्छे से दिखाती है और उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमेशा चलता रहे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, आगे भी ऐसे ही चलता रहे और बच्चों को कामयाबी अता करता रहे। बिल्कुल, हम सबकी यही दुआ है कि फंक्शन हमेशा ऐसे ही चलता रहे और जैसे सबको इनकरेज करा जाता है अवार्ड देकर, तो ऐसे ही आगे भी इनकरेज करा जाए। मैडम को यहाँ आपको वैसे किस चीज़ का अवार्ड मिला है? मुझे तो बहुत सारे अवार्ड आज मिले हैं। मुझे माशाल्लाह 4 अवार्ड मिले हैं। एक तो रिजल्ट का मिला है, परसेंटेज की टॉपर के नाम का मिला, और दूसरा मुझे क्विज का मिला है, और जो मुझे थर्ड मिला है मुझे मुझे स्कॉलरशिप मिली है यहाँ से माशाल्लाह। हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली है। और फोर्थ, मैंने जो यहाँ पे पेंटिंग बनाई थी उसके लिए सर ने मुझे सम्मानित कराया। आसान बात नहीं होती है 4 अवार्ड मिलना। मैडम को 4 अवार्ड मिले हैं, आप यहां देख सकते हैं। 4 का नाम गिना दिया, मैं कोई अपने लाइफ में ये अचीव नहीं कर सकता जो मैडम ने अचीव करके दिखाया है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और मैंने आपको पहले भी कई लोगों का दिखाया है फीडबैक, तो मैडम का भी जो ये फीडबैक है ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक होने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 अवार्ड मैम ने गिना दिए। एक साथ 4 अवार्ड मिलना एक लाइफ में आसान बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं है, और ये मौका मुझे इस कंपनी की वजह से मिला। टैलेंट तो बहुत था लेकिन निकल के आज आया यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं शमशी सोसाइटी का। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैडम को काफी ज्यादा मोटिवेट फील हुआ है एक तरह से, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में जो टैलेंट निकल, मैम ने जो बात कही मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, असल में जो टैलेंट निकल कर आता है वो यहीं पर निकल आता है, क्योंकि इंसान को इनकरेज यहाँ करते हैं, यहाँ पे सबको इनकरेज करा जाता है। एग्जैक्टली मैम ने जो बोला है कि यहाँ पे इनकरेज करा जाता है। तो आप मेरी क्या सबकी यही दुआ है कि ये आगे भी बरकरार रहे और ऐसी सबको इंशाल्लाह सबको ऐसी अवार्ड मिले और सब लोग ऐसी मोटिवेट हो और अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस दे। थैंक यू सो मच, मैं और भी आप लोग को दिखाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। दूसरे भैया हैं, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भैया आपका नाम क्या है और यहाँ पर किस चीज का अवार्ड मिला हमारी ऑडियंस को जरा बताइए। आज नाम है। अच्छा, और मुझे अवार्ड मिला है 10th में 82% अचीव कर रहे हैं। अच्छा, 10th में 82% अचीव कर रहे हैं, आसान बात नहीं होती है। मैं ऑडियंस को बता दूं 82% काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी रातों को जागना पड़ता है। कब होता है ये 82% का ये अवार्ड? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये आज आप हाफिज भी है। ये स्कॉलरशिप भी सर को मिली है, काफी ज्यादा मेहनत से आती है ये। और क्या बता रहे सर? भैया हायर स्टडी के अब्रॉड बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह जाएंगे भी, बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो, इसलिए इनको अवार्ड मिला है।
और सर हमारे साथ हैं इनके फादर हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर हमारे पास भैया भी हैं, भैया आप अपना नाम बताइए हमारे ऑडियंस। शाफी फरहान नाम है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की को बाहर भेजने का अपना इरादा है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अभी भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आगे भी बेहतर परफॉर्मेंस करें। एक बार हमारी ऑडियंस के सामने इनको शाबाशी जरा दे सकते हैं? बहुत बहुत अपने बेटे को मुबारकबाद है यहाँ तक आने के लिए, हाफिज बनने के लिए कि पहले लास्ट ईयर हाफिज का अवार्ड मिला था, अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं सर कि इन्होंने दोनों अवार्ड जीते हैं, एक हाफिज का और प्लस इन्होंने जो आपको 80% मार्क्स गेन करे हैं उसका अवार्ड। तो इंशाल्लाह आगे चलकर जो भी इनकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो, हम लोग की ये दुआ है एमबीबीएस करने की सर की एक ख्वाहिश है तो इनकी पूरी हो, हम लोग यही दुआ है। और आप हमारे साथ बने रहिए, हमें मैं और लोगों का फीडबैक दूंगा सर, नहीं और भी लोगों का फीडबैक दूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमारे साथ दूसरे मेंबर हैं आज के, जिनको अवार्ड मिला है, आप किसका अवार्ड मिला है? अच्छा, फर्स्ट आए आप, ये इसके लिए बहुत मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, फर्स्ट आने का अवार्ड मिला है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो स्कूल का नाम ये दे रही है, शायद आप लोग क्लियर ना सुन पाए हो, फैजाम इकरा और ब्रेनी स्टार, ये सब स्कूल्स को अवार्ड मिला। और यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मेहनत करी है अपने एग्जाम के लिए तो उनको अवार्ड मिला है। और आप अपना नाम बताएंगे हमारी ऑडियंस को? अच्छा, माशाल्लाह से इनको भी अवार्ड मिला है और ये भी फर्स्ट आई थी तो इनको अवार्ड मिला है। और ऐसे ही बच्चे मेहनत करते रहेंगे तो अवार्ड आपको भी मिलेगा, आप यहाँ पर विजिट करिएगा नेक्स्ट टाइम और इंशाल्लाह आपको भी इनकी तरह अवार्ड, न्यू जनरेशन को अवार्ड मिलेगा। और मैं और भी लोगों का भी फीडबैक लूँगा इनके अलावा, नेक्स्ट पर्सन का फीडबैक लूँगा। अब हमारे साथ सर हैं जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। सर आप अपना नाम बताइए हमारी ऑडियंस को और यहाँ आपने क्या परफॉर्म करा उसके बारे में। यहाँ मेरा नाम शादाब आलम है। अच्छा, और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और यहाँ स्कूली बच्चों को अवार्ड दिया गया है जी, इसमें तकरीबन 100 स्कूली बच्चे थे, 70 उपवास थे और भी कुछ बच्चों ने जो स्टेज पर प्रोग्राम करा और उनको सब अवार्ड दिए गए। काफ़ी बेस्ट तरीके से सर ने जो अनाउंसमेंट थी काफ़ी बेस्ट तरीके से करी थी और आसान बात नहीं होती करना, मैं आपको बता दूं ये चीज़, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक तो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है सबसे पहला, और दूसरा एक आवाज़ में वो स्पिरिट होना चाहिए जो हर एक के पास नहीं होती है, सर के पास है। सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू इसलिए क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है उसको उन लोग वो लोग मोटिवेट होंगे और वो लोग भी आगे चलकर इस चीज़ में जुड़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस चीज़ में सर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जिनको मोटिवेशन मिलता है आपके थ्रू सर, अंदर मोटिवेशन उनके आता है बिल्कुल, तो आपके थ्रू आता है सर। और सर हमारे साथ दूसरे सर हैं। सर आपका नाम क्या है हमारी ऑडियंस को बताइए? अच्छा, और मैं इस सेक्रेटरी हूँ। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा यह बताइए पहले तो। अरे सर यकीन मानिए मुझे क्या, हमारी जो वीडियो देख रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उनको भी काफ़ी पसंद आया होगा और गारंटी है सर ये जो प्रोग्राम है सर इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का मोटिवेशन होता है, क्योंकि मोटिवेट इसलिए होते हैं कि उनको आगे स्प्रेड मिलती है इस चीज़ को आगे करने की, क्योंकि अपनी लाइफ में इंसान जब अचीव कर लेता कोई चीज़ उसके बाद उसको उस चीज़ का अवार्ड नहीं मिलता है तो कोई मकसद नहीं होता, इंसान मोटिवेट हो जाता है और यहाँ मोटिवेशन उनको यही मिलता है शमशी अवार्ड फंक्शन में। अरे सर आपका शुक्रिया, मेरा क्या सर, आप लोग सर इतना ज़्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा लोग मोटिवेट हो रहे हैं। अब हमारे साथ सर हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ दूसरे सर भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर आप अपना नाम बताइए? मेरा नाम अक्षर वर्षी। और सर आप अपना नाम बताइए? अनवर सादात। अच्छा सर हमारे साथ ये सर हैं, सर आपका यहाँ पर क्या आपने परफॉर्म करा है यहाँ पर? आप सर इस सोसाइटी के मेंबर हैं और आप भी मेंबर हैं सर, तो जनरल सेक्रेटरी
आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सुन सकते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब इन लोगों ने काफी ज्यादा अरेंजमेंट करवाई है यहाँ के मिनट, और जो जो कि बहुत कम लोग करवा पाते हैं अरेंजमेंट। तो सर आप लोग की वजह से ही जहाँ पर जो जो लोग हैं देख रहे हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनको आगे लाइफ में कुछ अचीव करने का स्पिरिट मिल रहा है। अब हमारे साथ सर है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर अपना नाम बताइए और यहाँ पर आप मेंबर। अच्छा, और यहाँ पर क्या आपका? मैं एक सीनियर मेंबर हूँ यहाँ। अच्छा, मतलब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारी ऑडियंस को। हमारे मैनेजर स्टूडेंट्स हैं जी, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत साइड जो साइंस है जो ग्रेजुएशन उनको हौसला अफजाई है, जिससे जो दूसरे आने वाले जो नाइन्थ में कमिंग जनरेशन जो बच्चे हैं वाले ट्वेल्थ में जाना, करेक्ट करेक्ट, कॉन्फिडेंस मिल गया आगे बढ़ गया और अच्छे परफॉर्मेंस दे मिलने वाले हैं। और क्या जब हम लोग को देखेंगे तो उनको भी अंदर से आएगा और फिर वो लोग भी सोचेंगे हम भी स्टेज में आ जाए। और इससे ये है कि सर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी आगे चलकर अपनी लाइफ में कुछ करें और अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो सर हमारी जो ऑडियंस देख रही है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई होगी आपकी वर्ड को सुनकर, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप हमारी सोसाइटी के लिए। तो उसके लिए सर वंस अगेन सर मेरी तरफ से तो थैंक यू है ही, और हमारी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू है। दिल लगा के पढ़ो और नेक्स्ट ईयर आगे यहाँ से पढ़ो। बिल्कुल, और मैं स्कूल की तालीम की बात नहीं कर रहा हूँ, साथ साथ अगर आप मदरसे में हाफजा कर रहे हैं उसके लिए भी आपको यहाँ अवार्ड मिलेगा। अगर आप हाफिज हैं तब भी आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और यहाँ आपको उसके लिए भी अवार्ड मिलेगा। चलो स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ इनामुल्ला भाई हैं जो कि आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। आपके बहुत बहुत हमारे आप इनामुल्ला भाई के बारे में एक बार मैं आपको बता दूँ, इनामुल्ला भाई का प्रोफेशन यहाँ डॉक्टरी का भी है। तो सर आपका यहाँ क्या किस काम से आप? बता रहे थे इनामुल्ला भाई, कह रहे हैं कि उन्होंने 2011 से उन्होंने ज्वाइन करा था और एक साल उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, और इस जो 2023 इन्होंने दोबारा ज्वाइन करा है इस काम में। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को। जो भी देख रहे हैं यहाँ पर सर से इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है करना, काफ़ी मोटिवेट करना आसान काम नहीं होता। तो सर आपका बहुत आप जुड़े हैं हमसे, हमारे जो ऑडियंस देख रही है वो भी काफ़ी मोटिवेट होगी आपसे, और इंशाल्लाह वो भी आपके यहाँ जरूर जुड़ेंगे आगे चलकर। अब हमारे साथ सर हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर सर हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइए और अपना रेफरेंस दिए। सर मैं अलीम अख्तर खान, द ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है, जिसमें एक मुहिम छेड़ी है कि जो हमारे समाज के बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, या जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घर में कोई भी सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं, तो उनके लिए हमने फ्री एजुकेशन अनाउंस किया है, जैसे उनको ये भी ना लगे कि उनको किसी तरह का एहसान किया जा रहा है। तो इसलिए 100 रुपये मात्र पर मंथ हमने फीस रखी, सिर्फ 100 रुपीज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना कम कॉस्ट में सर ने करा है, और ये सही में इतना ज़्यादा सर को खुशी मिलती है दूसरों को देकर। तो ये चीज़ अल्लाह तो देख ही रहा, अल्लाह तो कबूल करेगा करेगा, बाकी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, इनकरेज होते हैं बच्चे एजुकेशन में। जैसा हम जानते हैं कि देखिए एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम, ऐसा सोर्स है जिससे हम अपने देश की कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस कोशिश यही कि कैसे भी हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकें। अच्छा, कहने को हर कोई कहता है स्पीच पे, ऐसे जब खड़े होंगे तो स्टेज पे आदमी बोल देता मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, बट द रिजल्ट इज दिस कि जब उनके बच्चे कहें कि हाँ सर ऐसा करते हैं, तो आपको कहीं पर भी ब्रिटिश का अगर कोई बच्चा मिल जाएगा और आप जब उससे पूछेंगे बेटा सर फीस आपसे मांगते हैं, फीस के लिए कहते हैं, तो बच्चा कहेगा फीस के लिए सर जल्दी टोकते ही नहीं किसी को। तो बच्चे जब हम क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे 15 दिन 10 दिन 1 महीना ले फीस जरूर देंगे और दे कर जाएंगे, वो कभी भी तो क्वालिटी होना बिल्कुल बिल्कुल सर की यही मैसेज है हमारा कि आप भी ऐसे लोग ढूंढिए जो गरीब हैं, जो बेचारे ऐसे नीडी हैं, उनको आप हमारे तक पहुँचाएँ
और ये उनके लिए बहुत बड़ा होगा और इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपका ऊपर अपनी बड़ा अच्छा आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। रुकिएगा नहीं, सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सर बता भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ स्क्रीन में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में नंबर शो भी हो रहा होगा। इस नंबर पे सर को आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो सर सब अवेलेबल करवा देंगे। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार ऑन स्क्रीन, हमारा नंबर है 9336139276। इस नंबर पे आप करेंगे तो आपको जो है हमारी बात हो जाएगी, और अगर इस पे नहीं हो पाता है तो ऑप्शनल नंबर है 9336033137। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी ऐसे लोग हैं उनको आप बिल्कुल हमारा आप एड्रेस दीजिए, और उनके लिए जब वो आएंगे तो वो खुद आपको बताएंगे कि जैसा हमने कहा है बिल्कुल वैसे ही होता है, किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं होते। ये दोनों नंबर मैंने स्क्रीन में शो करे हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करें, दोनों नंबर आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन में, आप दोनों में कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़कर। और सर हमारे जो ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को, गारंटी है आपसे जरूर जुड़ेगी, और इंशाल्लाह जो आपकी सोच है वो एकदम नेक सोच है, तो इस सोच को बरकरार आगे कंटिन्यू रखेगी। तो सर हम एक साथ और जोड़ना चाहेंगे अपने साथ, हमारे साथ मुश्ताक सर हैं, आइए फ्रॉम राइजर एकेडमी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दो लफ्ज जी बताइए, दो लफ्ज हमारे ऑडियंस। मेरा मुश्ताक अहमद है, राइजर एकेडमी कोचिंग, छोटी सी कोचिंग नाला रोड में चलती है रुपम के पास। अच्छा, और हमारा एकेडमिक क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, मेरी अभी हाल ही में एक बच्ची का नाम सुना होगा, जैनब फातिमा। अच्छा, इसरो साइंटिस्ट बनी है, मेरी कोचिंग देती बच्ची। अच्छा अच्छा। और एक बच्ची लामिया फरमान है जो अभी PW में गई है, मेरी स्टूडेंट है, गेट क्वालिफाई है, गेट वालों को पढ़ाती हूँ PW में। और कई बच्चों का IT मेन में सिलेक्शन हुआ, और हमारे यहाँ का जो हाईएस्ट स्कोर रहा यूपी बोर्ड का और SC बोर्ड का जी 94.3% का। 94.3% आसान बात नहीं होती है, उसको मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, सबको। एक बच्ची रमसा मंसूरी की स्टूडेंट है, 6 से 8 घंटे मैंने पढ़ाया, उसके हाईएस्ट मैथ में, साइंस में और इंग्लिश में 97 मार्क्स रहे। 97 मार्क्स। और प्लस सर का मैं ये भी बता दूं, सर हमारे साथ भैया हैं, भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप हमारे ऑडियंस को अपना नाम बताइए सामने कैमरे। आतिफ अवेजा। अच्छा आतिफ अवेजा सर हमारे साथ है, आपको किस चीज़ का अवार्ड मिला है हमारी ऑडियंस को बताइए। हमारा एक्चुअली चलता है ब्लड बैंक। अच्छा, ब्लड बैंक का मतलब हम डोनेटर भी बहुत हैं, हम डोनेटर भी बहुत हैं, डोनेट करा काफ़ी बार हमने, और प्लस हमारा ब्लड बैंक है, IMF है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, लखनऊ है, गुड़गांव है, दिल्ली है, तो जहाँ भी किसी को ब्लड चाहिए वो अरेंज करके देते हैं। मतलब आपको ये ब्लड 24 घंटे में किसी टाइम किसी चाहिए है, अरेंज भी करवा देंगे। और स्क्रीन में नंबर शो हो रहा होगा, सर का नंबर है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको ब्लड डोनेशन का सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसको चलाते हैं और उसको करीब 25 साल से ऊपर हो। हमारे यहाँ जो आपने बहुत अच्छी बात कही थी, ये ब्लड जो होता है ज़्यादा देने से वो उसका देने से बॉडी में फ्रेश ब्लड बन, फ्रेश 100 बार ब्लड दे दो, 100 बार आप हो गई बेटी, सेंचुरी हो गई है ब्लड देने में सर की। सर ने 100 से ज़्यादा बार ब्लड दिए, मैं आपको बता दूँ ये बात। हाँ मेरा फूल भाई, फूल तो
क्लासरूम है, किसी का बाइक नहीं है, तो इंसानियत मेन है, इम्यूनिटी मेन है, इम्यूनिटी मेन है, इम्यूनिटी इंसानियत मेन है। और जो भी हो देंगे भाई, कितनी जान बच जाए भाई हमारी क्लास में, अल्लाह कबूल करेगा, अल्लाह ये मोटो मेरा ये है भाई। अच्छा मोटो है, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपसे जुड़ेगी, और आपको स्क्रीन में नंबर है, आपको कॉल भी करेंगे, ब्लड डोनेट कर देंगे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ गया सर, और भैया जो हमारी ऑडियंस है वो भी आपसे भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पूछेंगे आपसे। अच्छा भाई आपका सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर, खुशामदीद है आपका, बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे चैनल पर। तो हम हमारी ऑडियंस को जरा अपने नाम बताइए। फाहिद इकबाल, क्योंकि फाहिद इकबाल मेरा नाम बता गए, अब हम उनका बताएंगे। फाहिद इकबाल, आवाज़ थोड़ी लाउड रखी, पीछे आलिशान वर्सी खड़े हुए, आवाज़ खड़े हुए हैं मुँह में, ये नासा वाले तो वीडियो जाएगी। और आप सर यहाँ पर किसी, यहाँ पर आपका क्या मतलब चले आते हैं, वीडियो वाला कैमरा कहाँ है उनका? अरे वो ब्लॉगर कहाँ गए? अरे याद हो गया, ये हटाओ, ये हटा दोगे तो सर कैसे निकाल दो? हम भी आए ना सर, वीडियो बना। समर भाई आप भी आइए, समर भाई आप आइए, समर भाई प्लीज यार, समर भाई आइए, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई आप भाई प्लीज। डॉक्टर साहब खा सकते हैं पहले ये देख के बता दीजिए, पहले चेक किया नहीं खा सकते। इस केक को देख के हमको खुशी हुई, क्योंकि ये केक बनाने वाली के बनाने में खुशी है। आप खुशी खुशी काट दिया है, जल्दी करो ताकि लोग अरे भाई कैसे मिलेगा, पकड़ो यार। और हाजी जी, हाजी जी सर्वो करी है, कट गया भैया, कट गया माज भाई का केक, कट गया माज भाई का केक कटा। चलो भाई माज भाई पहले खाओ, भाई सबसे आसान रास्ता तो ये है, अपने आप खा लो, सब लोग खा लेंगे, नहीं देखी है वरना ऐसा मालूम क्या होगा ना कि 21 लोग आराम आराम से बैठो ये लो। अरे पड़ो।